सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। धारा 144 लगी होने के बावजूद, राजस्थान लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ शराबी तत्व सड़कों पर सरेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सागवाड़ा राजकीय चिकित्सालय की 104 एम्बुलेंस को सरेआम भासोर के पास इन शराबी तत्वों ने रोक दिया और राजकीय कार्य में बाधा भी डाली। इस तरह से शराबी तत्वों द्वारा परेशान किए जाने से एम्बुलेंस कर्मी हो रहे हैं परेशान। कोरोना से लड़ें या इन शराबी तत्वों से निपटें, समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान लॉकडाउन के अंतर्गत आज दूसरे दिन खड़कदा गांव रहा बंद, व्यापारियों ने रखी अपनी दुकानें बंद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़गी चित्री, जो पूरी तरह से लॉकडाउन रहा। कुछ लोग आवश्यक कार्य होने की वजह से आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है और पूरी तरह से राजस्थान सरकार को सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, अगर इसी तरह से सहयोग करते रहे तो कोरोना वायरस हमारे भारत से दूर भाग जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सागवाड़ा की हैं, जहां पर सभी प्रतिष्ठान आज दूसरे दिन, राजस्थान लॉकडाउन के दूसरे दिन बंद नजर आ रही हैं और यातायात भी बंद नजर आ रहा है। कुछ लोग अभी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल की अपील है कि आप अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है तीसरे स्टेप पर है और काफी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सागवाड़ा की तस्वीरें, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। कुछ लोग अति आवश्यक कार्य होने की वजह से निकल रहे हैं, प्रतिष्ठान बंद हैं, दुकानें बंद हैं और रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरह से अगर कुछ दिनों तक सहयोग किया जाए तो कोरोना वायरस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और इसमें आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कराड़ा की तस्वीरें हैं, जो आपको दिखाई दे रही है। कराड़ा में भी बंद के दूसरे दिन लोगों ने किया समर्थन और घरों में रहे कैद। 108 एम्बुलेंस भी यहां पर प्रचार करती हुई नजर आ रही है और घंटे दो घंटे में साबुन से धोते रहे और सरकार का सहयोग करें, इससे इंफेक्शन फैलने का खतरा है। इसलिए कोरोना वायरस की वजह से धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें सरकार का सहयोग करें और अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाना मदद करें। तस्वीरें करियाना की है, यहाँ पर एक हेयर कटिंग सैलून खुला हुआ नजर आ रहा है। उनसे अनुरोध है कि आप कुछ दिनों तक अपना हेयर कटिंग आपातकालीन बंद रखें। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं पिंडावल की तस्वीरें हैं, बिल्कुल पिंडावल लॉकडाउन है। तस्वीरें देख रहे हैं साबला की, साबला में भी रहा बंद दूसरे दिन सफल। अति आवश्यक कार्य होने की वजह से कुछ लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई लोग बाहर नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कुछ दिनों तक इसी तरह से सरकार का सहयोग करते रहें और कोरोना को यहां से भगाने में सहयोग करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार, कल फिर ताजा खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।